हेलो फ्रेंड, मामी भांजी किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ रबड़ी। ये रबड़ी दो चीज़ों से मिलकर बड़ी आसान तरीके से और बड़ी स्वादिष्ट बनती है और कम समय लगता है इसमें। तो इसको बनाने के लिए मैंने लिया है 700 ग्राम फुल क्रीम दूध और मैंने लिया है मिल्क पाउडर, ये 20 ग्राम है। इसको मार्केट में कहीं से भी आप ले सकते हैं फ्रेंड। और मैंने लिया है 150 ग्राम शक्कर और मैंने ये लिए हैं ब्रेड के बीज का, हमने जो ग्राइंड करके रख लिया है ना वो इस तरह के हैं, वो मैंने पहले से ही रख लिया है क्योंकि इससे वीडियो बड़ी ना हो। और मैंने लिया है कुछ थोड़ा सा इलायची पाउडर और ड्राई फ्रूट जो कट करके रख लिए हैं। और फ्रेंड हाँ, अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी। अब हम चलते हैं आगे। अब फ्रेंड हम लेते हैं कढ़ाई, इसको मैं गैस पे रखती हूँ, गैस को करती हूँ ऑन। फ्रेंड आप, मैंने तो ली है लोहे की कढ़ाई, आप कोई सी भी ले सकते हैं, पर स्टील की लेंगे तो स्टील में दूध जलने का डर रहता है, इसलिए आप एल्युमिनियम की ले सकते हैं, लोहे की ले सकते हैं। और अब मैं इसमें डालती हूँ दूध और अब हम दूध को उबाल आने तक ऐसे ही चलाते रहेंगे। देखिए फ्रेंड, हमारा दूध है ना उबाल देने लगा है। अब हम इसमें डालेंगे शक्कर, तो शक्कर इसमें मैं डाल दूंगी। शक्कर के बाद फ्रेंड क्या होता है, इसमें दूध है ना थोड़ा सा पतला हो जाता है, इसलिए हम इसको 2-3 मिनट और चलाएंगे। देखो फ्रेंड, अब हमारा 2-3 मिनट दूध जो और उबल चुका है। अब हम इसमें डालेंगे मिल्क पाउडर, जो मैंने इसमें थोड़ा सा दूध में मिला के रख लिया था क्योंकि इसमें ये गुठले ना पड़े, इसलिए मैं इसको अब डाल दूंगी और इसको फिर से चलाऊंगी। और अब हम डालेंगे फ्रेंड इसमें थोड़ा इलायची पाउडर, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। और फ्रेंड अब ये रेसिपी ऐसी है फ्रेंड जो कभी भी हम बना सकते हैं, कोई फेस्टिवल हो, जैसे कि अभी नया वर्ष आ रहा है फ्रेंड, आप इसमें बना के खा सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं, कोई अपने यहाँ गेस्ट आ रहे हैं उसके लिए भी बना सकते हैं। अब हम इसमें मिक्स करेंगे ये मैंने जो ब्रेड ग्राइंड करके रखे थे ना, तो इसको मैं थोड़ा थोड़ा ऐड करूँगी इसमें, एक चम्मच से। और इसको चलाते जाएंगे। ऐसे धीरे धीरे मिलाएंगे, पूरा एक साथ नहीं डालेंगे नहीं तो इसमें उल्टे पड़ जाएंगे। गैस को थोड़ा स्लो कर देंगे और डालेंगे इसमें, धीरे धीरे इसको मिक्स करते जाएंगे, हम ऐसे ही मिलाते जाएंगे, इसको पूरा ऐड कर देंगे इसमें। अब हम इसको चलाएंगे जब तक ये पूरा मिक्स ना हो जाए। अब हम इसको 2-3 मिनट फ्रेंड और चलाएंगे। देखो फ्रेंड इसमें कितना गाढ़ापन आ गया है, कितनी अच्छी दिख रही है, बिल्कुल मार्केट जैसी, और खाने में भी बहुत अच्छा इसका स्वाद रहता है। और अभी क्या है कि ठंडी होने के बाद फ्रेंड और ज़्यादा ही है ना गाढ़ा हो जाएगा ये, इसलिए इसको ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है क्योंकि रखने के बाद ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा, इसलिए अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। अब देखो फ्रेंड मैंने ये बाउल में निकाल ली है रबड़ी। अब हम इसमें डालेंगे ड्राई फ्रूट, ड्राई फ्रूट तो अपने मन पसंद है, जो भी डाल सकते हैं, कैसी भी डाल सकते हैं। मैंने तो काजू बादाम पिस्ते लिए हैं, उनको कट के इसमें डाला है, आपको जो पसंद हो फ्रेंड आप वो डाल सकते हैं, तो मैं तो ये डाल रही हूँ। देखिए फ्रेंड ये हमारी रबड़ी बनकर तैयार हो गई है। देखिए फ्रेंड ये कितनी सुंदर लग रही है दिखने में, कितनी अच्छी, और ये इसमें गाढ़ापन भी बहुत आ गया है, लेकिन ठंडा होने के बाद ये बहुत थिक हो जाएगी और इसको सर्व करने में बड़ा आसानी होगी और खाने में भी बहुत ही अच्छी बनेगी। और फ्रेंड देखिए आप, अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और अपने घर में बनाकर सबको खिलाएं। थैंक यू।